बॉडी एनर्जी को एम्पलीफाई करने का टेक्नोलॉजी इज़ लिटरी हमारे हाथों में अननेसेसरी गॉसिप करना शुरू कर दिया किसी के साथ मैंने पॉलिटिक्स कर, डिस्कस करना शुरू कर दिया जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है सभी लोग रुक के देखते हैं कि हुआ क्या उस एक्सीडेंट में सही मायने में जो ध्यान शब्द का मीनिंग है टू बी एग्जैक्टली इन दैट स्टेट जैसे बुद्धा कहते हैं वॉक वाले योर वॉकिंग ईट वाले योर ईटिंग हम अपने एनर्जी लेवल्स को एनहस कर सकते हैं हमें कितना समय सोना चाहिए सही प्रकार से खाना खाना और सही ढंग से पानी पीना भी इतना महत्वपूर्ण है इमोशंस को एक्सप्रेस करना है बट कितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टूल्स में से बहुत लोग तीस मिनट एक घंटा दो घंटा या तीन घंटा ध्यान करते होंगे लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी दवाइयां छूट जाए ये सारे जो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन हम जानते हैं वो सभी एक समय पे हमें मिल जाए लेकिन क्या ये हो सकता है एक्चुअली एवरीथिंग इज़ एनर्जी और जब हम इस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जानना शुरू करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने जीवन में जो ध्यान से लाभ पाना चाहते हैं ज़रूर पा सकते हैं तो आज के इस क्या ख्याल है एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टूल्स जब भी हम एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं हम इसका उपयोग कर रहे होते हैं तो आइदर हमारे हैबिट्स के वजह से पास्ट टेंडेंसीज़ के वजह से हम बहुत एक्सेसिवली अपना एनर्जी यूज़ कर लेते हैं या बिल्कुल उसका सही उपयोग नहीं कर पाते बैटरी है वो एब्सोल्युटली डाउन रहता है कि मतलब जैसे वो वन और टू परसेंटेज में रहता है yeah. या हंड्रेड परसेंट में रहता है या yeah. तो so, सबसे पहले हमें एक्चुअली ये समझना होगा कि एनर्जी के अलग अलग स्टेट्स क्या होते हैं अक्सर हम एनर्जी को पॉजिटिव और नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं बट एक्चुअली एनर्जी का उपयोग करने के तरीके से एनर्जी का स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं तो चार प्रकार के स्टेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं सो so, एक प्रकार का स्टेज है जहाँ पर आप कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हो आपका एनर्जी इट्स लाइक like आपने बकेट तो भर लिया है ध्यान के माध्यम से अपने ऊर्जा के ऊर्जा के स्तर को आपने बढ़ा दिया है बट आपने अपने बहुत सारे इस बकेट में छेद बना रखे हैं तो एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है हो ही जा रहा है एंड वेस्टेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप अननेसरी किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा उसको कर देते हो या बिल्कुल ही नहीं करते फॉर एग्जाम्पल लेजीनेस तामसिक गुण का तो परफेक्ट एग्जाम्पल ये होता है तो उस एनर्जी स्टेट को हम एक्चुअली वेस्टेज कहते हैं डिसिपेशन कहते हैं दूसरी प्रकार की स्थिति होती है जहाँ पर हम एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं बट उसको हम ध्यान से ये जो शब्द है ध्यान से जब हम नहीं करते हम काम तो कर रहे हैं जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं बट बात करते करते दस और चीज़ें भी अगर हम काम कर रहे होते हैं सो दैट इज नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन बट हम एनर्जी को कहीं ना कहीं पर कंजर्व कर रहे होते हैं राइट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है जब हम जो काम कर रहे हैं इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं जो काम कर रहे हैं हमारा ध्यान पूरी तरीके से वहीं पर ही लगा हुआ है This जैसे बुद्धा कहते हैं वॉक वाले वॉकिंग ईट वाली ईटिंग या सो दैट्स परफेक्ट माइंडफुलनेस या जिसको हम सही मायने में जो ध्यान शब्द का मीनिंग है टू बी एग्जैक्टली इन दैट स्टेट वो एक कर्म योग स्थिति में जो भी कार्य कर रहे हो पूरी तरह से उसके साथ लीन हो जाना वो एक यूटिलाइजेशन वाला स्टेट है एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट 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 परफेक्ट स्टेट ऑफ एनर्जी इज जब हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं तो हमारी दिनचर्या में बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते बहुत सारे कार्य कॉन्शियसली कर रहे होते हैं या कॉन्शियसली मैं बोलूँ तो जागरूक अवस्था में ऑटोमेटिकली हम वो कार्य करते हैं सो एनर्जी इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली एनर्जी अलग अलग स्टेट्स ऑफ यूटिलाइजेशन के ऊपर है अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो वेस्टेज हो जाता है उस एनर्जी का अगर आप उसको कंजर्व कर रहे हो उसको बांध के रख रहे हो लाइक बैटरी सेवर मोड पर लगा रखे हो तो दैट्स कॉन्जर्वेशन तीसरा स्टेट है जब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो उसका सदुपयोग कर रहे हो सही मायने में उसका उपयोग कर रहे हो एंड चौथा स्टेट है जहाँ पर आप मैक्सिमाइज कर रहे हो तो ये चार स्थिति में हम अपनी

तो क्या होगा इमीडिएटली मैं अनाप शनाप बात करूंगी मैं पहले सबसे पहले एयरलाइंस से लेके गवर्नमेंट से लेके पूरे इंडियन एयरलाइन सिस्टम को कोसना शुरू करूंगी कि ये क्यों नहीं वो मुझे टाइम पे इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो मैं हंड्रेड यूनिट्स ऑफ एनर्जी से घर से निकली थी ऑटोमेटिकली आई एल कम डाउन टू फिफ्टी यूनिट्स एंड मैंने कुछ आउटकम भी नहीं अचीव किया बस फालतू अपने शब्द का उपयोग किया और मेरे एनर्जी को मैंने डाउन कर दिया एक और स्टेट ऑफ एनर्जी होता है जब मैंने कुछ बोला नहीं बट मैं आसपास बस खुली आंखों को बस देखती जा रही हूँ मैं देख रही हूँ मेरे आसपास क्या हो रहा है अगल बगल में क्या हो रहा है दूसरे पर्सन का कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो वो क्या बात कर रहे हैं या अननेसेसरी गॉसिप करना शुरू कर दिया किसी के साथ मैंने पॉलिटिक्स कर, डिस्कस करना शुरू किया ऐसे होता भी है ना कि जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है सभी लोग रुक के देखते हैं कि हुआ क्या, वो क्या हुआ एक्सीडेंट में क्राउड मेंटेलिटी झुंड माइंड है तो यहाँ पर क्या है मैंने इस शुरुआत में घर से तो निकली थी सौ यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ मेरा बहुत वेस्ट नहीं हुआ बिकॉज मैंने फिजूल की बातें नहीं की है बट मैंने कुछ उसका बेनिफिट भी नहीं पाया है तो मेरा एनर्जी अगर डाउन होगा तो मैं सेवेंटी यूनिट्स पर आ जाऊंगी तो सौ से मैं सेवेंटी यूनिट्स पर आ गई दैट्स कॉन्जर्वेशन बिकॉज मैंने अपने मुँह ज़्यादा नहीं खोला है बट मैं खुल्ली अपने एनर्जी का भी सदुपयोग नहीं कर रही थी अब एक और स्टेट ऑफ एनर्जी होता है मैं एयरपोर्ट गई और मुझे पता लगा कि मेरा फ्लाइट डिले हो गया है या मेरा ट्रेन डिले हो गया है तो इमीडिएटली मैं क्या करती हूँ अब जो मेरे पहले दिन के जो भी काम थे जो बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही हूँ जो भी मुझे काम कंप्लीट करना था वो मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मेरे जो हंड्रेड यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ मैं निकली थी भले मेरा यूनिट्स कम हुआ लेट्स से मैंने पचास यूनिट को कम किया मैंने इस्तेमाल किया अपने एनर्जी को बट मैंने पचास वर्क यूनिट्स भी क्रिएट किए बिकॉज मैंने अपना काम कंप्लीट किया है जो मेरा समय का सदुपयोग करने का जो एक एग्जाम्पल है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी दिस इज अनदर एग्जाम्पल नाउ परफेक्ट स्टेट इज जब आप हंड्रेड यूनिट्स के साथ तो घर से निकले थे और आप पहुंचे आपको पता लगा कि आपकी फ्लाइट डिलेड है तो आप इमीडिएटली क्या करते हो आप ऑटोमेट मैटिकली आप ध्यान में बैठ जाते हो तो आप निकले थे 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ बट जब हम फ्लाइट में चढ़े और फाइनली जब हम नीचे उतर के आते हैं आप 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी के साथ वापस निकल के आते हो तो हमें अपने आप को हर वक्त चेक करना है हम किस स्टेट ऑफ एनर्जी में जी रहे हैं हर एक कार्य को किसी ना किसी एक स्टेट में हम परफॉर्म करते ही रहते हैं राइट right. 100% कि हर बार हम कितने सिचुएशंस गो थ्रू करते हैं डेली कितने सिचुएशंस गो थ्रू करते हैं हम हमारे पास हमेशा चॉइस रहता है कि मैं किस एनर्जी स्टेट से रिस्पॉन्स करूँ रिएक्ट करूँ जिसकी वजह से आपका फाइनल रियालिटी जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसके पास हो या दूर हो समझ में आएगा हम चाहते हैं हैप्पीनेस हम चाहते हैं निरोगी रहना हम चाहते हैं कि सभी लोग साथ मिलकर रहें लेकिन अगर हम अपने स्टेट ऑफ एनर्जी को नहीं बदलेंगे हम इट्स लिटरली लाइक पर्सपेक्टिव राइट हम कैसे किस पर्सपेक्टिव से एक दूसरे बंदे को देखते हैं yeah. पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी बीट बेसिकली हर एक सेंसेस का कैसा उपयोग करते हैं yeah. इससे समझ में आता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू हमेशा चॉइस रहता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू तो सबसे पहले है थॉट्स व्हाट टू थिंक वॉट नॉट टू थिंक शुड वी थिंक पॉजिटिव और शुड वी थिंक नेगेटिव क्या हम डिजास्टर सोचें या हम चमत्कारी सोचे हमेशा चॉइस हमारे हाथ में है yeah. कितना सोचे हम अक्सर बहुत ओवर थिंक करते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं हम बहुत डिटेल डीप में चले जाते हैं एक्चुअली जरूरत नहीं होती और उसके वजह से जैसे आपने कहा यूनिट्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कम होता रहता है और हम जानते ही नहीं इतने अनकॉन्शियस रहते हैं right. और किस तरीके की सोच रखनी चाहिए ऑब्वियसली मैराक्युलस थिंकिंग क्योंकि जितना एक मैराक्युलस थॉट एक होता है या दो होते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच गई मैं अपना टाइम का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ मैं जो रियलिटी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो कर रही हूँ आई एम गुड ऑल इज वेल एवरी थिंग इज परफेक्ट ये एक विचार है जिसकी वजह से एनर्जी कम नहीं होती वो और मैक्सिमाइज होती है लेकिन डिजास्ट्रस या नेगेटिव थाट्स बहुत सारे होते हैं ओवर थिंकिंग भी इज अ सम ऑफ दैट और उसके वजह से हमारी एनर्जी कम होती है तो हमारा जो चॉइस है ना हमेशा पॉजिटिव और मेराक्यूलेस एंड दैट्स वॉट आई एम वर्किंग ऑन मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जब भी कुछ एक नेगेटिव विचार आता है उसको हमेशा एक पॉजिटिव विचार साथ meditation. Yes. Meditation के साथ ट्रांसफॉर्म करना एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मेडिटेशन की वजह से मेरे पास माइंड कंट्रोल है कि yeah. मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रही हूँ अवेयर हो रही हूँ एक तो विचार है और विचार जब भी नेगेटिव डिजास्टर्स होता है उसको पॉजिटिव और मिराक्युलस बनाना ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी का, कहाँ पर हमें सोचने की आवश्यकता है बहुत बार लोग ध्यान इतना करते हैं कि वो ब्लैंक हो जाते हैं और बोलते हैं ओ एवरी थिंग इज ब्लैंक बट एक्चुअली हमें कब सोचना चाहिए कितना सोचना चाहिए दैट इज़ द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ आर एनर्जी एंड आई थिंक इन माई केस परफेक्ट एग्जाम्पल इज इमोशंस जो आपने कहा था अपनी भावनाएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें इमोशन्स को एक्सप्रेस करना है उनको सप्रेस नहीं करना है बट कितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन और अपने आप को एक चॉइस देने के लिए कि क्या मैं इस सिचुएशन में अपने आप को फालतू में लो फील करा रही हूँ या मैं अपने आप को चुनती हूँ कि आई हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी इमोशन बिकॉज ये अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर मे बी हम सो कॉल्ड सैड एक्सपीरियंस करते हैं सैड फील महसूस करते हैं दुख महसूस करते हैं पर उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी हमारा थॉट और हमारा खुद का चॉइस रहता है तो बीट कॉन्सेप्ट में जो पत्र जी बहुत बोलते हैं एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ये नहीं है कि अगर आप दुख फील कर रहे हो आप सडनली प्रिटेंड रहे हो कि अरे मैं बहुत खुश हूँ करके बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में एक जागरूकता लाएं कि आपके पास एक चॉइस है कि क्या आप अभी वो गुस्सा फील करना चाहते हो या इरिटेटेड फील करना चाहते हो क्या आप इस नेक्स्ट पल में अगले पल में आप क्या चुनना चाहते हो या इट्स ओके एंड मूविंग फॉरवर्ड करके तो इमोशंस के साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर वक्त वो चूज़ करें जो आवश्यक है जो साइंटिफिक है और जो पर्पजफुल है ये पर्पज़फुल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभार गुस्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पत्री जी का हम इतने एग्जाम्पल सुनते हैं कि सर बहुत गुस्सा करते थे और वो गुस्सा भी एक्सप्रेस करते थे बट कभी वो ऐसे नहीं होता था कि वो गुस्सा आपको बांध देते बिकॉज़ ही मूवड ऑन आपका ये आज अभी ये एक फीलिंग आ रहा है आपने वो एक्सप्रेस कर दिया ओवर अब वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो इमोशंस का जो खेल है बीट कॉन्सेप्ट के परस्पेक्टिव से अगर अभी आप गुस्सा हैं और आपने एक्सप्रेस कर दिया उसको इमीडिएटली ड्रॉप कर सकते हैं एंड नाउ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीलिंग एंड येस एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नॉर्मल आई मैन एक्चुअली वर्किंग ऑन इट मैं एक्चुअली इस पर काम कर रही हूँ मैं एक्चुअली बहुत कैरड अवे हो जाती हूँ कि अगर किसी पर्सन ने मुझे कुछ कह दिया और मैं इफेक्ट हो गई तो उसको मैं नेक्स्ट डे तक लेके जाती थी yeah. लेकिन मेडिटेशन के द्वारा मैंने अपने इमोशंस पे काम करना शुरू किया कि ओके आई एम फीलिंग दिस इमोशन मुझे गुस्सा आ रहा है या क्योंकि इवन बॉडीली चेंजेस होते हैं मंथली हमारे बॉडीली पीरियड्स uh, होते हैं बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे इमोशंस आपके फ्लक्चुएशन होती है yeah. तो यूजली क्या होता है पहले मैं भागती थी अपने इमोशन से बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मैंने yeah. एक तो आइडेंटिफाई किया ओके okay, एक्सेप्ट किया दूसरा और उसके बाद उसको उसको ट्रांसफॉर्म किया कि ओके okay, जब भी इमोशन आता है एक इरिटेशन का एक ओवर रिएक्टिवनेस का इमीजिएटली उसको शिफ्ट करना कि ओके व्हाट डू आई डू इन द सिचुएशन व्हाट इज राइट फॉर मी बिकॉज अगर मैं ओवर करूंगी तो वो शब्दों का ओवर हो जाएगा एक्सप्रेशन <laughs> का ओवर हो जाएगा जिसकी वजह से मेरा नेक्स्ट मोमेंट इफेक्ट होगा यस सो इट्स ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड्स वी यूज क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं शब्द इज द पावर तो हम किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूरी है क्योंकि यूजली क्या है हम बोल देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जिस पर्सन को हमने एक्सप्रेस किया है वो उस शब्दों के साथ रह जाता है एंड दैट इज़ वॉट ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल करें वो वो वर्ड्स होने चाहिए ना ही केवल मेराक्युलिस थॉट्स हमारे वर्ड्स भी मराक्युलिस होने चाहिए कितने शब्दों का इस्तेमाल करें जैसे पत्री जी मौन में रहते थे मौन अपने सेवन डेज ऑफ वीक में एक दिन मौन रहने से हम अपने विचारों क्या सोचते हैं हम किन शब्दों की ज़बरदस्ती में हम हम जिस को किसी को बुलाना है तो मुँह मुँह का इस्तेमाल करते हैं हम एक्शंस के द्वारा भी कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर बढ़ाते रह सकते हैं मेडिटेशन को एक्चुअली मेडिटेशन केवल मेडिटेशन के समय ही नहीं उसको कंटिन्यू करना है सो डेफिनेटली द वर्ड्स वी यूज हाउ मच वी यूज़ वॉट वर्ड्स वी यूज़ एंड कितना वर्ड्स वी यूज़ That's, and that's very important. Very important. आई थिंक फॉर मी वर्ड्स के साथ साथ वर्ड्स इमोशंस के साथ साथ जो हम खाते हैं दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट मेरे साथ भी ऐसे होता था कि अगर जब भी मैं अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी इवन एज ए यंगस्टर टीन एजर्स टीनेजर्स से मेरा एक हैबिट बन गया था तो मैं बोलती थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी करके एंड ऑफकोर्स वो क्या होता था मेरा गुस्सा मैंने खाने के ऊपर दिखाया बट हु इज़ गेटिंग अफेक्टेड आई एम ओनली गेटिंग अफेक्टेड इन द प्रोसेस जो मुझे लॉन्ग रन में समझ में आया बिकॉज जो खाना है जिस सात्विक भोजन से बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ फूड से जो हमारे घर पे परोसा जाता है इट्स बुद्धा फूड्स सो so, जिस भावना से वो खाना बना था वो खाना उस भावना से भी जब मैं खाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा इनर जो इमोशंस है वो ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाते हैं सो द क्वालिटी ऑफ अ फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हमारे इमोशंस में अगर और ध्यान में अक्सर हम ये फील करते हैं कि अगर आपके ध्यान में बहुत सारा आपका स्मूथ मेडिटेशन नहीं हो रहा है आप ज़रूर चेक करिएगा आपके खाने का क्वालिटी क्या है फ्रॉम वेर आर यू गेटिंग योर फूड कौन आपका खाना बना रहे हैं और किस तत्व से वो खाना बन रहा है है. तो अगर खाना चाहिए तो सिर्फ शाकाहारी खाना चाहिए शाकाहारी खाने के साथ साथ हमें बिना लहसन और बिना मशरूम के खाना खाना चाहिए एंड खाना ताजा होना चाहिए इट शुड बी फ्रेशली मेड आप बासी खाना या जो फ्रिज में बहुत समय से रखा हुआ है खाना है अगर वो खाओगे तो जिसमें एनर्जी है ही नहीं उस खाने को आप खाओगे तो वो खाना आपको कैसे एनर्जाइज करेगा हमारे अन्न में को स्वादिष्ट टेस्टी ऊर्जावान खाना पसंद है इट इज़ वॉट गिव्स अस एनर्जी गुड प्रॉपर न्यूट्रिशियस सात्विक भोजन जो ऊर्जा से भरा हुआ है बुद्धा फूड्स है अगर वो वाला खाना हम खाते हैं तो डेफिनेटली हम उस टाइप के खाने से हमारे बॉडी का एनर्जी एम्प्लीफाई होता है और अगर आप अपने खाने को गर्म करना चाहते हो डेफिनेटली आप माइक्रोवेव मत इस्तेमाल करिएगा जस्ट अगर बिल्कुल थोड़ा पहले अगर आपने खाना बनाया है तो ऑफकोर्स रीहीट अवॉइड करना चाहिए खाने का जस्ट ईट इट फ्रेश दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड खाना उतना ही खाइए जितना आपकी ज़रूरत है आपकी भूख है इनफैक्ट पत्री जी बोलते हैं मिताह हार राइट अमाउंट ऑफ ईटिंग उतना है कि आपकी अगर भूख हंड्रेड परसेंट है आप एटी परसेंट अपना पेट भरीगा नॉट हंड्रेड परसेंट भरी है सो दैट इज राइट ईटिंग ऑफ फूड एंड फूड के साथ साथ पानी पीना दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट तो मैंने डॉक्टर वेन डायर की बुक पढ़ी थी चेंज योर थाट्स चेंज योर लाइफ दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन माई लाइफ क्योंकि मैं अफ्रीका में ट्रैवल कर रही थी और वहाँ पर बहुत बॉटल वाटर यूज़ करते हैं तो टैप वाटर नहीं पीते एंड पैकेज वाटर था एंड मैं उस बुक को पढ़ रही थी एंड आई फेल्ट कि पानी का डिफरेंस कुछ था एंड जब मैं वो बुक पढ़ रही थी उन्होंने कहा था कि जब हम हमारा बॉडी ही सेवेंटी परसेंट वाटर है हम जिस भी पानी को पीते हैं एंड मसारू इमोतो जी ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिखा है कि बिकॉज हम सेवेंटी परसेंट वाटर है वाटर रिस्पॉन्स टू थॉट तो उस बुक में ये बहुत क्लियर लिखा था कि जब भी नो मैटर द स्टेट ऑफ द वाटर भले आपने एक सुएज का पानी का बॉटल भी क्यों ना भरा हो आप उसको भी उसकी क्वालिटीज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तो तब से मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है कि जब भी मैं पानी को पीती हूँ सबसे पहले मैं उसको थैंक यू कहती हूँ तो इमीडिएटली बिकॉज वो अपने थॉट को पक ये वाटर कैचेस द थॉट इट फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ होल्डिंग इट तो इमीडिएटली मैंने उस वाटर के एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया थैंक यू बोल के कॉन्शियसली एक एक गुड को मैं बहुत इन्जॉय करते हुए बहुत रिफ्रेशिंगली उसको पीती हूँ सो या टैप वाटर को भी हम एनर्जाइज कर सकते हैं ऑफकोर्स इंटेंशन के साथ जब हम उसके साथ पिरमिड पावर को भी यूटिलाइज़ कर देते हैं इट इज़ एप परफेक्ट, वाटर कैन हील अस कम्प्लीटली और सही प्रकार से खाना खाना और सही ढंग से पानी पीना भी इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को एनहैंस कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है बिकॉज यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हम कहाँ कहाँ अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं एंड वन मेजर वे जहाँ हम वेस्ट करते हैं वो है देखना अननेसरी देखना जैसे मैंने कहा कि जब कोई लड़ाई हो रही कि तो बीच में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है अच्छा क्या क्या, क्या किसकी वजह से लड़ाई हुई है क्या हो रहा है क्यों एक्सीडेंट हुआ है तो हम एक्चुअली क्या है हम अननेसरी देखते हैं yes. अगर हमारे ज़रूरत नहीं है उस समय पे कुछ देखने का अगर हम कैब में बैठे हुए हैं आस देख रहे हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें करने की ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती के हम ज़्यादा सोच विचार में जा रहे हैं हमें कट करके एक्चुअली आँखें बंद करनी चाहिए एट्टी एनर्जी हमारे आँखों से बाहर जाती है इसलिए हम ध्यान में आंखें बंद करते हैं तो सिमिलरली हमारे डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ जबरदस्ती का आंखें खोल के सोच विचार में जाके एक एक तरीके से एक ट्रांस में चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता yeah, scrolling. है स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से हम इतने नम हो जाते हैं हमारे आँखें इतने नम हो जाते हैं कि हमें समझ में आता आँखें लाल हो जाते हैं आँखें बंद होने लगते हैं लेकिन तब भी हम जोर से अपनी आँखें खोलते हैं ताकि हम और समय और एनर्जी वेस्ट करें तो इसलिए क्या देखें डेफिनेटली हमें चेक करना चाहिए दैट्स व्हाट आई एम डूइंग आल्सो कि हम कितना समय क्या देखती हूँ उस पर कंट्रोल रख के हम आंखें बंद रखें ज्यादा से ज्यादा समय एंड जितना इम्पोर्टेंट है देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपनी स्लीप में अगर 80 परसेंट एनर्जी हम आंखें खोल के हम अपना यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी का बट जब हम आँखें बंद करते हैं एंड राइट स्लीप का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है बहुत इराटिक होता है आइर हम बहुत लेट सोते हैं या बहुत जल्दी सो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक सोते हैं एज पर द बीट कॉन्सेप्ट बाय पत्री जी ये जो नींद है हमें कितना समय सोना चाहिए तो पति जी कहते हैं हमें चार घंटे से ज़्यादा नींद की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज हाफ एन आवर ऑफ़ स्लीप इज़ इक्वल टू फोर आवर्स ऑफ मेडिटेशन तो अगर आप आधा घंटा सुबह जल्दी उठ के ध्यान करते हैं तो आपका चार घंटे का नींद तो एनी वे कम्प्लीट हो जाता है बट हम कितना सोते हैं कि समय सोते हैं एंड हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अक्सर आजकल बहुत सारे लाइफ कोचेस भी कहते हैं कि जब हम सोने के बिल्कुल पहले हमें अपने गैजेट्स से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना चाहिए तो अगर आप अपने रूम में जहाँ पर भी आप सोते हैं अगर वहाँ पर गैजेट्स ना रहे दैट्स एन आइडियल वे बिकॉज हमारा ब्रेन वेव स्टेट इन इट्स मोस्ट नेचुरल स्टेट इज़ एट साइकिल्स पर सेकेंड और वो भी अर्थ का भी फ्रीक्वेंसी होता है बट जब हम इस गैजेट्स को ये फाइव जी वाले गैजेट्स को आजकल हम यूटिलाइज़ करते हैं तो इनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहते हैं इट्स ऑलमोस्ट टू मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड इतना हाई फ्रीक्वेंसी होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आ ब्रेन एट ऑल तो अगर हमें जेन्यूनली अपने आप को एक हाई एनर्जी स्टेट में एक्सपीरियंस करना है तो कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन राइट बिफोर वी गो टू स्लीप क्योंकि जितना हमें ध्यान करते समय हमें एनर्जी मिलता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है राइट स्लीप बिकॉज तो स्लीप के समय भी हमारे बॉडी को मच नीडेड रेस्ट मिलता है बहुत सारी एनर्जी मिलती है तो राइट स्लीप इज सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन राइट स्लीप में ये बहुत ध्यान रखना है कि गैजेट्स हमारे आसपास ना हो हमारे पांच सेंसेस में एक और जो सेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टच जैसे बच्चों के साथ हम हम एनिमल्स uh, के साथ जितना ज्यादा हम टच का इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा हमारा कम्फर्टिंग yeah. हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है यस एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारे ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करना हम किस प्रकार से अपने समय का उपयोग करते हैं हम क्या अपने दिनचर्या में क्या जॉब करते हैं या जो भी प्रोफेशन में हम इन्वॉल्व है हम कितना हमारी इच्छा के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से लीन होकर काम कर पा रहे हैं अक्सर बहुत सारे लोग जॉब तो जाते हैं बट डोंट लाइक द जॉब और वो बोलते हैं अरे यार मैं बस रोटी रोटी कमाने के लिए कर रहा हूँ जिंदगी या बट अगर हम अपनी उसी कार्य को पूरी तरीके से इंजॉय करके करें लीन होकर उस कार्य में इन्वॉल्व होकर हम अपना काम करते हैं सो दैट इज़ द आइडियल एंड द बेस्ट वे टू यूटिलाइज आर एनर्जी तो हम जो भी काम कर रहे हैं भले आपको अभी वो पता ना हो कि वो आपका पैशन है कि नहीं बट आप उस कार्य को भी पूर्ण तरीके से लीन होकर कार्य करते हैं माइंडफुली वो काम करते हैं तो हमारा एनर्जी तीन गुना ज़्यादा बढ़ता है एंड ना केवल आंखें बंद करना आंखें खोलना हमारे ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए हमारा एनर्जी इम्प्रूव होता है हमारा एनर्जी हायर लेवल स्टेट्स में रहता है बट डेफिनेटली हमें इसके माध्यम से हमारा जो एक घंटे का या तीन घंटे का जो मेडिटेशन होता है hmm. वो बहुत अच्छे होना yes. अच्छा होने लगता है सो दैट्स आई थिंक वी हैव समड इट अप कि बॉडी एनर्जी को एम्पलीफाई करने का टेक्नोलॉजी इज लिटरली हमारे हाथों में yeah. हम जैसे कॉन्शियसली करेंगे हम एक कॉन्शियस रियलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे जब एक्शंस हमारे जो 23 थ्री आवर्स ऑफ आर लाइफ अगर कॉन्शियस रहेगा हमारा वन आवर मेडिटेशन और एनर्जी से बढ़ता जाएगा जब वो वन आवर मेडिटेशन को हम कॉन्शियसली करेंगे हमारे 23 थ्री आवर्स में जो माइंडफुलनेस हम जी रहे हैं और माइंडफुली और राइट कॉन्शियस चॉइसिस के साथ जियेंगे yes. पति जी के इसी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आई थिंक हम जी रहे हैं हम सभी ऐसे ही जीते रहें तो क्या ख्याल है कि इस एपिसोड में जो भी आपने सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या नए वोकेशन को या तो म्यूज़िक हो डांस हो वो मे बी ड्राइविंग सीखना हो क्या नया वोकेशन आप एक्चुअली सीख रहे हैं ताकि आप अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें देखते रहिए पी एम सी हिंदी चैनल न आई लव क्या ख्याल है क्योंकि हर एक एपिसोड में हम एक नए टॉपिक को कवर करते हैं कमेंट करके बताएं कि अगले एपिसोड में आप क्या टॉपिक देखना चाहेंगे देखते रहिए पी एम सी हिंदी चैनल थैंक यू